हेलो मेरे भाई, तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, यहाँ पर आज बात करेंगे, अगर आप YouTube पे वीडियो डाल रहे हैं, कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम पे आप आ जाते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, हालांकि मेरे साथ भी हुआ है। कुछ ऐसे आपके पास मेल आ जाते हैं, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं मेल आते हैं, योर वीडियो हैज़ बीन ए कॉपीराइट क्लाइम बाय एक कंपनी का नाम दे दिया जाते हैं। तो ये कॉपीराइट क्लाइम क्या है एंड ये क्या चीज़ है, किसको मतलब किस तरीके से इसको आप हटा सकते हैं, इससे आपका चैनल का कोई नुकसान होगा भी या नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से एकदम खुलकर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए, फिलहाल बिना वक्त वाए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं भाई, आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रॉनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्क टेक्नोलॉजी। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें, उसके बाद मैं आपको डेस्कटॉप यानी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाकर पूरा समझाऊंगा। छोटा वीडियो होगा, लंबा नहीं होगा, लेकिन आपके काम के होगा। जो भी बताऊंगा 100% जेन्युइन बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज यहां पर ध्यान देने वाली आपको ये बात है गाइस, देखिए कोई वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, कोई भी वीडियो मतलब खुद बनाकर अपलोड कर रहे हो, सब कुछ खुद एडिट किया है, सब कुछ खुद रिकॉर्डिंग किया है, सब कुछ खुद का पिक्चर लगाया है, लेकिन फिर भी आपको एक कॉपीराइट क्लाइम भेजा जाता है YouTube की तरफ से। आप लोग हैरान हो जाते हो, भाई ये क्या चीज़ है? जिनको पता है कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो मतलब घबरा सी जाते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, मतलब इतने अच्छे तरीके से कंटेंट बना रहे हैं, उसके बावजूद उसका कॉपीराइट क्लाइम आ जाता है। इससे इतने मतलब इतने कुछ करने के बाद भी ये कोई मतलब गलती से नहीं आते, ये आपके गलती है। मैं आपको बता देता हूँ क्या गलती है। देखो, सबसे पहले तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। एक, आप बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक लगा रहे हैं। दूसरा, आप इंट्रो में क्या म्यूजिक लगा रहे हैं। तीसरा, आप आउट्रो में क्या म्यूजिक लगा रहे हैं। समझ गए ना? अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी गाना को आप उठाकर छोटा सा चला दोगे ना, छोटे से टाइम के लिए, तो भी आपको उस गाने की कॉपीराइट क्लाइम आएगा, ना कि कॉपीराइट स्ट्राइक। और सबसे पहली बात, ये कॉपीराइट क्लाइम आपके चैनल के लिए कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपके मोनेटाइजेशन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वीडियो जिसमें कॉपीराइट क्लाइम है वो वीडियो कभी भी मोनेटाइज नहीं होंगे, लेकिन उस वीडियो में एड चलेंगे। वो किसके एड? जो कॉपीराइट आपको भेजे है जो कंपनी ने, लाइक टी सीरीज कंपनी ने एक गाना लॉन्च कर दिए, मैंने अपने वीडियो के अंदर वो गाना थोड़ा सा चिपका दिए, अब टी सीरीज कंपनी मुझे कॉपीराइट एक क्लाइम भेजेगी, लेकिन मैं वो वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ चाहे ऑफ करके रख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वीडियो में ऐड चलेंगे। वो ऐड किसका है? टी सीरीज कंपनी का। जो भी रिवेन्यू, जो भी अर्निंग उस वीडियो से होगा, आपके खुद के वीडियो से, वो सारे अर्निंग, उस वीडियो के अर्निंग सारे टी सीरीज कंपनी के पास चले जाएंगे। यही होते हैं कॉपीराइट क्लाइम। अब गाइस, ये आते किस लिए है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आते म्यूजिक के लिए। आप क्या म्यूजिक यूज कर रहे हैं उसी वजह से आपको कॉपीराइट क्लाइम आते हैं। वीडियो के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं, और म्यूजिक के लिए आमतौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आमतौर पर म्यूजिक के लिए आपको कॉपीराइट क्लाइम आते हैं। अब गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, एक, आप बैकग्राउंड जो म्यूजिक यूज कर रहे हैं वो नॉन कॉपीराइट है, वो किसी खुद का, किसी कंपनी का या फिर किसी लोगों का खुद का वो म्यूजिक है, इसी वजह से कॉपीराइट क्लाइम आए हैं। दूसरा, आप कोई इंट्रो यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंट्रो 10 सेकंड की क्यों ना हो, लेकिन वो कॉपीराइट फ्री नहीं है, इसी वजह से आपके कॉपीराइट क्लाइम आए। अगर आप अच्छे तरीके से मेल को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और तीसरा, आप आउट्रो यानी वीडियो के अंत में जो लगाते हैं छोटा छोटा बॉक्स करके, वहां पर म्यूजिक डालते हैं, वो म्यूजिक कॉपीराइट फ्री नहीं है, इसी वजह से आपको कॉपीराइट क्लाइम आए हैं। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। अब गाइस, बेसिक चीज तो आपने देख ही लिया, सीख ही लिया क्या है कॉपीराइट क्लाइम, किस वजह से आते हैं, और मैं आपको चलिए एक बार डेस्कटॉप पे ले जाकर पूरा अच्छे तरीके से समझा देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको लगे ये चैनल काम के है, हम कुछ सीख रहे हैं, या फिर मैं आपको ऑनेस्टली कुछ अच्छा बता रहा हूं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता मेरे भाई, प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ऐसे ही आगे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाऊं। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पे आपको सीधी तरीके से बता देंगे कॉपीराइट क्लाइम के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपनी जो डैशबोर्ड है, एक चैनल का मेरा सेकंड एक चैनल है, उसका ये डैशबोर्ड है गाइस, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा
कुछ कॉपीराइट क्लाइम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वीडियो के अंदर, तो जैसे ही यहाँ पर आते हैं उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने प्राइवेट करके रखे, जैसे कि आपको पता चल गया होगा यहाँ पर मैंने प्राइवेट करके रखे हैं। अब गाइस इतना ही नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हाल ही में मैंने ये एक वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पर एक सॉन्ग मैंने इसके अंदर लगवाए थे और यहाँ पर देखिए कॉपीराइट क्लाइम मुझे आ चुका है। आप लोगों को भी शायद ऐसे ही आ रहा होगा, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया मोनेटाइजेशन जो है वो इन एलिजिबल, यानी इस वीडियो के अंदर इन एलिजिबल, इसका मतलब इस वीडियो के अंदर कोई भी एड नहीं चलेंगे। जितने भी अर्निंग्स होंगे वो सारे के सारे इस कंपनी, ये जो कॉपीराइट भेजे है मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जितने भी मुझे कॉपीराइट, मतलब जिस कंपनी ने भेजे है पूरा का पूरा, यहाँ पर इतने, यहाँ से इतने तक ये कंपनी के पास, ये WMG जो कॉपीराइट ओनर्स है इसके पास सारे के सारे पैसे जाएंगे। मतलब इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में जितने भी मेरा कमाई होने वाले वो सारे के सारे इस कंपनी के ऊपर जाने वाले। और मैंने कौन सी सॉन्ग यहाँ पर यूज किए है यहाँ पर उसका नाम भी आ रहा है गाइस। यहाँ पर देखिए कॉपीराइट ओनर्स यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप चाहें यहाँ पर सिलेक्ट एक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सॉन्ग जो है पूरे इस सॉन्ग को आप यहाँ पर से म्यूट भी कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस का मतलब ये है यहाँ पर से आप जो इस सॉन्ग को हटा के कोई और अल्टरनेट म्यूजिक जो कॉपीराइट फ्री है यूट्यूब से वो लगा सकते हैं। लेकिन आपके कंटेंट पे यानी वीडियो पे थोड़ा सा वो बुरा असर पड़ते हैं, यानी अच्छे कंटेंट तब क्रिएट नहीं होते। अब गाइस आपको मेल चेक करके मैं आपको पूरे और भी डाउट को क्लियर कर देता हूँ। आप तो समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर कॉपीराइट क्लाइम होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखिए, दिस कॉन्टेंट आईडी क्लाइम्ड ऑन योर वीडियो डज नॉट इफेक्ट योर चैनल, दिस इज नॉट ए कॉपीराइट स्ट्राइक। नीचे की तरफ आपको लिखकर आ रहा होगा दिस इज नॉट ए कॉपीराइट स्ट्राइक, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो ये कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, इससे आपका चैनल का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो है इस वीडियो का सारे के सारे अर्निंग्स जो है कॉपीराइट ओनर जो है उसके पास जाएगा। यहाँ पर देखिए वीडियो कैन नॉट मोनिटाइज यहाँ पर लिखा भी है गाइस, ये और कोई यहाँ पर और कोई अलग से माजरा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बार मेल दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने मेल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे एक मेल भी आ चुका है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब कॉपीराइट क्लाइम एक मेल आ चुका है मेरा नाम लेकर, यहाँ पर एक कॉपीराइट ओनर यूजिंग कॉन्टेंट आईडी ए क्लाइम सम मटेरियल्स इन योर वीडियो, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आपने एक वीडियो पब्लिश की है वो कॉपीराइट के अंदर चला गया है, उसका मटेरियल्स कुछ ऐसा है वो कॉपीराइट है। और यहाँ पर देखिए दिस इज नॉट ए कॉपीराइट स्ट्राइक, दिस क्लाइम डज नॉट इफेक्ट इन योर अकाउंट स्टेटस, इसका मतलब आप समझ सकते हैं आपके चैनल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर देखिए आपका वीडियो टाइटल कॉपीराइट कंटेंट जो है, ये जो सॉन्ग है वन मोर राउंड, ये मैंने यूज किया था उसके अंदर, ये सॉन्ग यूज किया था और ये कॉपीराइट सॉन्ग फ्री नहीं है, मतलब कॉपीराइट फ्री सॉन्ग नहीं, इसी वजह से वहां पर मुझे एक कॉपीराइट क्लाइम भेजा गया है। बस इतना ही था गाइस, मैंने आपको बता दिया इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचने वाले। और गाइस अगर आपको लगते हैं कि भाई ये बाय मिस्टेक नहीं होते, फिर भी अगर आपको लग रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट एक्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिस्प्यूट जो है यहाँ पर डिस्प्यूट पर क्लिक कर सकते हैं और यूट्यूब को बता सकते हैं ये मेरा खुद का म्यूजिक है, बाय डिफॉल्ट आपने भेज दिया है किसी भी गलती की वजह से। तो ऐसा नहीं होते, अगर आपने किसी का मतलब सॉन्ग यूज़ किए हैं तो ही आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट क्लाइम आते हैं। तो गाइस मैंने आपको पूरा जो डाउट था वो क्लियर कर दिया, अगर कोई भी डाउट अभी तक है तो कमेंट पे मुझे पूछिए। तो गाइस बेसिकली मैंने आपको सारे के सारे चीज़ डाउट जो है वो क्लियर कर दिए, मुझे उम्मीद है आपको लोगों की कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो कमेंट पे वैसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल है सुझाव है मुझे कमेंट कीजिए, अगर कमेंट आते हैं ज़्यादा उस तौर पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर, एंड तब तक आप सारे लोग, आपके फैमिली के लोग, सारे लोग सलामत रहें एंड बेहद खुश रहें।